नमस्कार। कृषि कार्य करुथिबा समस्त चासी भाई और भौणी मानंकु प्रणाम जणाइ आरंभ करुछु आजिर कार्यक्रम कृषि दर्शन। दर्शक बंधु, आम राज्यर चासी भाई और भौणी माने अन्य राज्यर चासी भाई और भौणी मानंक अपेक्षा अधिक स्वावलंबी, कारण आम राज्यर सेमाने धान फसल सहित विभिन्न प्रकार तैलबीज फसल ता छड़ा पनीपरिया फसल चाष करि सेगुडी को बजार बिक्री करि भल दि पैसा रोजगार तो करुछन्ति, ता छड़ा निजर गुजराण मध्य मेंटौछन्ति। सेथिपाई कृषि कार्यरे आमे सबुबेले आम चासी भाई और भौणी मानंक साहाज्य करि आसिछु आम कार्यक्रम माध्यम रे, जहार ना कृषि दर्शन। तेबे दर्शक बंधु, जेउ चासी भाई और भौणी माने कृषि कार्य करुछन्ति सेमानंक उत्पादित द्रव्यर किभळि भाबरे सठिक मूल्य पाई परिबे, सेथिपाई आमे सबु सप्ताह रे प्रसार करिथाउ बजार दर। तेबे आसंतु जानि नेबा कोन रहिछि ए सप्ताहर कृषि खबर एवं परे परे बजार दर। नमस्कार, कृषि खबर को स्वागत। मनीष बंचापी जो सब उत्पादन आवश्यक से मुख्य हूँ खाद्य। सठिक मानव परिमाण खाद्य शस्य उत्पादन दरकार हुए कि नुआ तथ्य आसबूक जनवाई आम सबुदिन प्रसारित करू कृषि खबर। विहन उत्पादन कार्यक्रम, औषधीय वृक्षलता चाष, चाषवास क्षेत्र में महिला गोष्ठी सफलता, मीठा मका किसम, माधुरी और प्रिया, नड़िया गचढ़ा जंत्र, समन्वित उद्यान कृषि विकास मिशन, दुग्धजात द्रव्य रप्तानी एवं पानीपाग। उन्नतमानर बिहन उत्पादन पाई सरकारंक पक्षरु कृषकमानंक प्रोत्साहन दिया जाउछि, तेणु आग्रही चासी भाई माने बिहन उत्पादन कले धान अपेक्षा निश्चय अधिक आय करिपारिबे। एथिपाई विभिन्न दिग प्रति ध्यान देबा आवश्यक। बिहन उत्पादन निमन्ते एक चक्करे बिहन बुणिबा बा लगाइबार 10 दिन मध्यरे आवेदन करिपारिबे। तीन दिन मध्यरे आवश्यक देय पैठ करि बिहन उच्च ओ किणा जायथिबा तथ्य प्रदान करिबा दरकार। उन्नतमानर बिहन पाई समस्त चाष कार्य सठिक समय करिबा उचित। फसलर सठिक जत्न नेबा सह अंतिम क्षेत्र परिदर्शन पूर्वरु धान कियारीरु घास ओ अन्यान्य मिसा किसम धान गछ अलगा करिबा आवश्यक। धान अमल परे भलभावे सुखीथिबा बिहन परिमाण आधारे अमल परिदर्शन प्रमाणपत्र ग्रहण करन्तु। उपयुक्त भावे संरक्षण करि सरकारंकु निर्दिष्ट समय बिहन बिक्री करन्तु। औषधीय वृक्षलता चाषपाई आम राज्यर जलवायु बेस अनुकूल। क्षुद्र ओ नाममात्र चाषी माने एही सब वृक्षलता चाष करी बेस उपकृत होइपरिबे। घीकुआरी, पिपळी, गुळुची, अश्वगंधा आदि चाषपाई जातीय औषधीय बोर्ड पक्षरु सहायता एवं ज्ञानकौशल जोगाइ दिया जाउछि। एने गवेषणा करा सह कृषकमानंकु नूतन ज्ञानकौशल मध्ये प्रदान करा जाउछि। सेहिपरि लेमन ग्रास चाष ओ एहार प्रसार पई व्यापक पदक्षेप ग्रहण करा जाइछि। राज्यरे लेमन ग्रास चाषकु भल सफलता मिळुछि। एहार प्रसार ओ एथुरु विभिन्न उत्पाद प्रस्तुति पई मध्ये गवेषणा करा जाउछि। छोटे किसान और मध्यवर्गीय जो किसान है, ये लोग ये सारे जो औषधीय जो पौधे हैं इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। इसमें अगर अंत फसल भी करते हैं उसमें भी काफी लाभ उठा सकते हैं। उड़ीसा में जो जो हम भूल चुके हैं ऐसा भी बहुत सारे औषधीय पौधे हैं, जैसे लेमन ग्रास में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इससे काफ़ी आमदनी भी हो रहा है और हम चाहते हैं कि लेमन ग्रास में हम और भी कुछ अच्छा अच्छा चीज़ निकालें। आम राज्य में महिला मैंने गोष्ठी गठन कर चाषवास क्षेत्र में बे सफलता हासिल कर महिला जनक हूँ दूरक एक्का
ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଧୋବାଗୁଡ଼ି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଘର। ସ୍ଥାନୀୟ ଏନ୍ଜିଓ ହର୍ଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ପାଇ ଏମାନେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱମାତା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ମିଳିମିଶି ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିବାବେଳେ ଏବେ ସୌର ପମ୍ପ ଯୋଗେ ପନିପରିବା ଫସଲ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଧାନ ଓ ମାଣ୍ଡିଆ ସହିତ ନାନା ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଫସଲ ଚାଷ କରି ସେ ନିଜ ପାରିବାରିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟତା କରୁଛନ୍ତି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କୁହନ୍ତି, ଆଗରେ ଏମିତି ପାଣି ସୁବିଧା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷବାସ କରୁନଥିଲୁ, ମାନେ ଏବେ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଲାରୁ ପନିପରିବା ସେ ଟିକେ ଟିକେ କରୁଛୁ, ଆମେ ଗ୍ରୁପ କଲୁ। ଗ୍ରୁପ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱମାତା, ତାପରେ ଗ୍ରୁପ କରିକି ସାର୍ମେଣ୍ଟ ବତେଇଲେ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ କରୁଛୁ। କରା ମାସରେ ବି ଆମକୁ ତରକାର ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଉ ବିଜନେସ୍ କରିବି ପାରୁଛୁ, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଗାଁରେ। ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଆମକୁ ଅନେକ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ଜାଣି ହେଉଛି। ଚାଷ କାମ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି କୃଷି ଖବର ସଂକ୍ଷେପରେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ଜଳବାୟୁରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ମିଠା ମକା କିସମ ମାଧୁରୀ ଓ ପ୍ରିୟା ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ଭାବେ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଚଢ଼ା ଯନ୍ତ୍ର। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ ତୋଳିବା ସହ ଗଛକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖନ୍ତୁ। ଫଳ ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସମନ୍ୱିତ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ବିକାଶ ମିଶନ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ 67,572 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନଥିବା ଜମିରେ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ସାଧାରଣ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚାଷ କାମ କରିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ଷା ନହେଲେ ସେମାନେ କ୍ଷତି ସହନ୍ତି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ରଖି ଚାଷ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଣିପାଗ ସୂଚନା ଦେଇଥାଉ ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ। ରାଜ୍ୟର ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବା ସହିତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତାପମାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସର୍ବନିମ୍ନ 28 ଓ ସର୍ବାଧିକ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍, କଟକ 28 ଓ 34, ସମ୍ବଲପୁର 26 ଓ 32 ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସର୍ବନିମ୍ନ 28 ଓ ସର୍ବାଧିକ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। କୃଷି ପରାମର୍ଶ, ବର୍ଷାଦିନିଆ ଭେଣ୍ଡି ଚାଷ ପାଇଁ ଉନ୍ନତ କିସମ ଲାଗି 4 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ସେହିପରି ଶଙ୍କର କିସମ ପାଇଁ 1.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ବିହନ ବୁଣନ୍ତୁ। ବୁଣିବା ବା ତଳି ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। କୃଷି ଖବର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପରେ ପରେ ରହିଛି ବଜାର ଦର। ବଜାର ଦରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କର ଫସଲର ଅମଳ କରିସାରିଲେ ସେସବୁକୁ ବଜାରରେ ବିକି 2 ପଇସା ଲାଭ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସଠିକ୍ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ପ୍ରସାରିତ କରୁ ବଜାର ଦର। ବଜାର ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କୃଷି ବିକାଶ ଯୋଜନାରେ ବଜାର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଗୃହ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଚାଷୀଭାଇମାନେ ନିଜ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ବିକ୍ରିବଟା କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। କଖାରୁର ବଜାର ଦର, ଅତାବିରାରେ କଖାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1500 ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳୁଛି। ହିନ୍ଦୋଳରେ ଏହି ଦର 1400 ରୁ 1600 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ନୀଳଗିରିରେ 1200 ରୁ 1300 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କଖାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1100 ରୁ 1200 ଟଙ୍କା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବଜାର ଦର ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଗଛଟିଏ ପାଇଁ ଭଲ ଚାରାଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ ଏବଂ ଭଲ ଚାରାଟିଏ ପାଇଁ ଭଲ ମଞ୍ଜିର। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ବିହନ ଚୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିହନ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ବିହନ ପରୀକ୍ଷାଗାରରେ ଯଦି ଉକ୍ତ ବିହନଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଇ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଅମଳ ପାଇବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବିହନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଜାଣିବା।
आम राज्य सरकार आम राज्यर चाषी भाई मानक उन्नत मानर विहन जोगेबा निमन्ते अकॉर्डिंग टू सीड एक्ट 1966 सीड एक्ट 1966 जोटा रही तारी अनुसार 1966 मसीह भुवनेश्वर एक राज्य विहन परीक्षागार प्रतिष्ठा करा प्रतिष्ठा हवा द्वारा बा राज्य विहन परीक्षागार प्रतिष्ठा हवा द्वारा यार मूल लक्ष्य है विहन सर्टिफिकेशन बा विहन प्रमाणीकरण किपर ठीक रही पार सीड लॉटा मध्य ठीक भाव में कार्यकारी हो पार एवं सीड कंट्रोल ऑर्डर जोटा 1966 अच्छी ठीक भाव में कार्यकारी करें विहन गुड़ी ठीक भाव में परीक्षा करवा परीक्षा कलापर यार मान निर्धारण कर मान निर्धारण करागला आमर जो सर्टिफिकेशन एजेन्सी मैंने अच्छा आमर जो प्राइवेट डीलर मैंने अच्छा ग्रोअर मैंने अच्छा संस्था मैंने अच्छा से मैंने सर्टिफिकेट पाइला तापर यहाँ विहन बोली उपयुक्त कि ना ता प्रमाण हैलापर जाए चाषी भाई मानक विहन आकार राज्य विहन परीक्षागार आम प्रत्येक विहन साधारण भाव छोटी दिग प्रति ध्यान दे यार नमूना परीक्षा करता गोटे है प्यूरीटी टेस्ट आम शुद्धता परीक्षा कही था शुद्धता परीक्षा मान आम देखा जे विहन टी पूरा शुद्ध थी दरकार जोटा कि मानने मिशा न रही दरकार उदाहरण स्वरूप आपन जदि 100 विहन आम नौ जदि देखु 99 विहन शुद्ध अच्छी ताल या विहन उपयोगी हो जदि ताधिक मात्रा मिशा थी तेल यहाँ अनुपयोगी विहन उपर गणापर आम आउ गोटे परीक्षा कराए गजा परीक्षा आम जोटा जर्मिनेसन टेस्ट बोली कहे यही जर्मिनेसन टेस्ट देखिए शतकड़ा 85% धान क्षेत्र में जी अधिका 80% रु अधिका धान गजा होती यहाँ विहन उपयोगी हम जदि ताठू कम होता विहन उपयोगी हो पारेपर आउ गोटे आम परीक्षा करूँ ओडीबी परीक्षा बा मिशा परीक्षा आपड़ देखिए धान गोटे प्रकार सब दूसुत किंतु धानर सैज ठीक भाव में नान अंकुश रही धान अन्य किसी रोगणाक्रांत थपे तेणु ये जो ओडीबी एठार आमर परीक्षा करडीबी मध्यम धानर मान निर्धारण कराए आ गोटे परीक्षा है आमर मॉइश्चर परसेंटेज बामर आर्द्रता के रोचर एठार परीक्षा कराए तेणु धान है मुग है बिरी है चीनाबादाम सब क्षेत्र में आर्द्रता मॉइश्चर टेस्ट एठार परीक्षा कराए आ गोटे टेस्ट है आप देखिए जो विहन गुड़िक आमर चाषी भाई मान पाक बिक्री जीव आम चाषी भाई मैंने से गुड़िक नहीं क्षेत्र में लगे तेज़ देखा कथा जे ये विहन टी कौन पोक द्वारा आक्रांत हो ना यही आम राज्य विहन परीक्षागारे विहनर पोका पोक द्वारा बा कीटपतंग द्वारा आक्रांत हो ना ताकिपड़ता है छोटी परीक्षा करा सारापर जदि सबुजाक मानदंड विहन टी पास है आम कौन कराए ना सर्टिफिकेशन बा सर्टिफिकेट मिलता है जहाद्वारा चाषी भाई मानी यहाँ विहन उपयुक्ति होता है और चाषी भाई मैंने क्षेत्र में नहीं व्यवहार करमर एटिक जो गुड़िक विहन आसे साधारण भाव कौन हुए ना तीनोटी संस्था मध्यम तीनोटी प्रकार आम विहन एटिक आसता है गोटे है आम ओसपका आम ओडा राज्य विहन जैव उत्पाद संस्था जोटा आम इंग्राजी ओसपका कौचु सेमानों को माध्यम रे आम पाखक विहन आसता है परीक्षा करने आउ गोटे प्रकार विहन आसता है जोटा को आम एनफोर्समेंट सांपल बोली कौचु जोटा कि कौन हुए ना आमर जो प्रत्येक ब्लॉक रे आमर राज्यर प्रत्येक ब्लॉक रे सीड इन्स्पेक्टर मैंने अच्छा आम विहन निरीक्षक मैंने अच्छा से आमर राज्य परीक्षागार को विहन बिक्री विहन परीक्षा करने आसता है आउ गोटे है आमर सर्विस सैंपल टेस्ट करा जाए बा परीक्षा करा जाए सर्विस सैंपल कहले चाषी भाई माने निजे स्वतप्रभुत भाव आम पाखे आणिकी विहन दे पारे किंबा कौन सी जदि विहन उत्पादनकारी संस्था अच्छा से माने निजे आम मान पाखे विहन को देपर आम तार परीक्षा करूँ आठारे कही रखा चाहे जे आमर जिते प्रकार विहन एठार परीक्षा करबूजाक निःशुल्क फ्री अफ कॉस्ट कराए कारण राज्य सरकार तरफ आमको निर्देश अच्छी आम कौन प्रकार माने फी बा कौन प्रकार शुल्क आम ग्रहण करूँ ना एवं सबुजाक विहन आम निःशुल्क फ्री में आम करदी चाषी भाई मैंने केते कते परिमाणर विहन आणवा दरकार से भितर मुझे सम्यक धारणा दूची जदि धान चाषी भाई मैंने नहींक्र आम पाक विहन परीक्षा करके आणुँचे जानक जानवा दरकार जे अति कम्रे 400 ग्राम विहन आम मान पाखक आणवा दरकार आम यही 400 ग्राम नमूना विहन हिसाब से आम ग्रहण करता
तापरे जदि मुग बिरी चीनाबादाम इत्यादि आम पाखक परिया करिया पे आणुचंती ताले मन रखिया उचित जे आमको निहाती अति कम रे गोटे के जी बिहन आम पाखक पठिया दरकार जहाद्वारा आमर एटी कौन हम ना निर्भुल भाव में आम परीक्षा करिपारिबा। बिहन रो परीक्षाटा निहाती जरूरी अटे कारण आजिकाली देखिथबे बिहन रो मूल्य बहुत अधिका आमे बिहन गुणे बा बीज गुणे आमे अमर अमल पाई थाउ तेणु आमे जदि बिहनटी को प्रथम रु परीक्षा करी क्षेत्र में लगे ताहले कौन हम ना आमको परवर्त अवस्था आमको क्षति सहवाक पड़ न था एवं अधिक अमल मिलता है। उदाहरण स्वरूप आपणकर जदि बिहन बा कौन सी बिहन लगाऊँ चाष करा जाते गजा शक्ति कम अच्छी जर्मिनेशन परसेंटेज कम अच्छी आपत क्षेत्र में लगेदेलापर कौन हुए ना आपणकर गछ संख्या कमी जाऊँ आपत अधिक अमल नपाई कम अमल पाइबा द्वारा आपत क्षतिग्रस्त होती ठीक से हीपरी आप रोगाक्रांत कि पोक द्वारा आक्रांत होता बिहनटी जदि नहीं क्षेत्र में लगे दूसरी परवर्त अवस्था देखा जाए आपणकर से ही फसल विभिन्न प्रकार रोग और पोक द्वारा आक्रांत होद्वारा आप विशेष भाव में क्षतिग्रस्त होती। आउ गोटे आम मॉइश्चर टेस्ट जो कर आर्द्रता परीक्षा आपत देखिए जदि आर्द्रता अधिक परिमाण में आपंकर बिहन रही आपत जितेबाला क्षेत्र में से ही बिहन को लगे दूसरी बिहन लगे कौन हो ना आपणकर फसल में अधिक रोग पोक निश्चित भाव में लगुंट जहाद्वारा आपणकर अमल बाधाप्राप्त होणु बिहन परीक्षा किपरी करा जाए आपण प्रत्येक चाषी भाई मैंने टी जाणी दरकार एवं आम एटी जो अन्न मैंने आसुच्च आमर एटी देखूँ ओयूटी यूनिवर्सिटी रही सेंचुरियन यूनिवर्सिटी रही सोआ यूनिवर्सिटी रही एवं आमर श्री यूनिवर्सिटी रही सेठकर मध्य आपण छात्र छात्री मैंने आसी आमर एठार किपर बिहन परीक्षा करा जाए ताकु मध्य देखि थांती एवं सेठा एठारु शिखि थांती। ते दर्शक बंधु चलंतु आम कार्यक्रम रे नै जिबा एक छोटो विरति जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान अब आपकी है बारी नजदीकी कृषि कार्यालय सहकारी समिति बैंक शाखा अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। दर्शक बंधु आम राज्य में माछर चाहिदा अनेक बेसी बजार रे माछर चाहिदा बढ़ुवा हेतु आम राज्यर चाषी भाई और भौणी माने विशेष भाव में माछ चाष करिथांदी जो चाषी भाई और भौणी माने माछ चाष करिथांदी से माने माछ मानंकु पारंपरिक भाव खाद्य बा दाना देथांदी जहाद्वारा से मानंकु पोखरी भितर को पशिया को पड़े एवं ओदा मध्ये होबा को पड़े किंतु जो चाषी भाई और भौणी माने माछ चाष करुछंदी से माने जदि नूतन प्रणाली रे पोखरीर दुई पार्श्वरे दुईट खुंट मध्यम डब्बार खाद्य दिखती तेज निश्चित भाव में नूतन प्रणाली में ओदा होगा पड़े ना एवं माछ माने सठिक पुष्टिकर खाद्य पाइबे दाना पाइपर तेज आसतु किभली भाव में नूतन प्रणाली में माछ मानक खाद्य परिचालना करे विषय कार्यक्रम टे देखा तेणु महिला मानी बर्तमान गोटे नूतन पद्धतिर खाद्य परेषण कौशल को विकसित कराई या बाल्टी माध्यम रे खाद्य परिवेषण बा पॉकेट फीडिंग बोली कहा जाउची एथिपई आमर प्राय धरंतु गोटे एकर पोखरी रे आमे 3000 पर्यंत सर्वाधिक आमे मुंडा जाळ बा वर्षिकिया मुंडा जाळ छाड़ी की चाष करा जाय थाए ग्रामीण जो सार्वजनिक पोखरी रे तेणु ए प्रत्येक 300 माछ पई गोटे गोटे स्थान रे खाद्य परिवेषण करिया को हेले आमको बकेट माध्यम रे खाद्य परिवेषण करिया पड़ी था धरंतु गोटे एकर रे आमर 3000 जाळ छाड़ुचे तो 300 माछ पई गोटे जगह रे आमे खाद्य परिवेषण करिया कहले गोटे बाल्टी रे आमे खाद्य परिवेषण करि परिबा एथि पई आमर 8 लीटर जो छोटो आकार रो बाल्टी आसुची सेई बाल्टी को नेकिरी तळर 4 इंच जो बाल्टी रो तळ 4 इंच उच्चता रे आमे छोटो छोटो छिद्र करिबा 6 mm
लुहा छड़ जो रहुची से लुहा छड़ को तते के आमे छोट छोट कोणा करिबा एवं से बाल्टी रो तळ पार्श्वरे मध्य आमको चार पांच गोटी छिद्र करिया पड़िबो एई भली आमर दस गोटी बाल्टी जति हबो प्रत्येक बाल्टी पिछा 300 टी माछ हिसाब रे 3000 माछ को पई 10 टी डिफरेंट जगार विभिन्न जगार आम खाद्य परेषण करमर जो पोखरी प्रस्त पटटी रोचे से प्रस्त पटर पोखरीर मझामझी अंशे प्रस्त पटे आमर जो लंबाटे रोचे प्रस्तर जी लंबा रोच फुटरे आम सामान भाव दस भाग में विभक्त करदे एवं से जो प्रस्त पाखे दुईटी आम खुंटी पोतवा पोखरीर मझामझी अंशरे दुई पार्श्वरे दुईटी बड़ खुंटी पोता हबो एवं से खुंटी रू आमे जीआई तार प्राय पोखरी रू पानी लेवल 10 फुट छाड़ी एवं आमर हुड़ा उपर प्राय 4 फुट 5 फुट उच्चतार आमे खुंटी पोतिबा एवं से खुंटी को खुंटी आमे दुईटी खुंटी पोतिके आमे जो मोटा जीआई तार आसुछि से जीआई तार को लंब भाव में आम बांधि देबा एवं से जीआई तार भितर आम छोट छोट जो रिंग रोचे आमर जीआई रिंग बा आमर चाबी रिंग हेले बोधे हबो सेई रिंग गुड़ी को आमे 10 गोटी ता भितरे पुरेबा एवं आमर प्रस्त पाखटी पोखरीर प्रस्त पाखर जेतिकी लंब माने तार जो फुटरे जेतिकी तार लंब रहुची लेंथ रहुची तार तीनी गुणा आमको प्लास्टिक दौड़ी किणवाक पड़ो बजार जो प्लास्टिक दौड़ी मिलूँ से प्लास्टिक दौड़ी किणवाक पड़ो से प्लास्टिक दौड़ी को आम कौन कर प्रथम गोटे खुंटे बांधिदेबा एवं से खुंटे जी आई तार लंब आकार बंधा ही थोड़ा आपड़ पाणी प्राय 10 फुट छाड़ी रही थोड़ा और हुड़ा उपर प्राय 4-5 फुट उच्चतार रही थोड़ा धरतु 10 गोटे रिंग में बंधाला हुड़ा पाखु 10 फुट छाड़ी पुणी 10 फुट छाड़ी आउ गोटे रिंग में बांधा पुणी 10 फुट दौड़ी छाड़ी आउ गोटे रिंग में बांधा एमती आम प्राय 10 फुट लेखा छाड़ी 10 गोटी रिंग में आम से दौड़ी को बांधिक आरपट खुंटी पाखु नवा प्रत्येक रिंग रू आम दौड़ी भर्टिकाली आम झूले की रखा और बाल्टी गुड़िक बंधाई रत्येक बाल्टी आम जब बामपट दौड़ीटा को जोगुड़ रिंग रे सहित बंधा होगी जाइए से दौड़ी को जब टाणी तेल बाल्टी गुड़िक प्राय आपणकर कूल पाक पलैस सबुड़ बाल्टी एवं डाहाण पटर जो अपर पट पार्श्वर खुंटी जो रिंग भितर पूरी कि पशिकी जो दौड़ी बाहरिक आसी से ही दौड़ी को टाणिले आप प्रत्येक 10 फुट अंतर में बाल्टी गुड़िक खेल र तो प्रथम बामपटर दौड़ीटा को टाणी कूल को नहीं आसवा और प्रत्येक बाल्टी में 2 किलो रू 3 किलो ओजन आमर जो कुंडा पीड़िया मिश्रण और सहित विटामिन मिनरल मिक्सचर भी मिसाई थी प्रत्येक बाल्टी में 2 रू 3 किलो खाद्य आम देवा और प्रथम गोटे बाल्टी में दे सारापर दौड़ी टाणी देवा से आगे चल जाव पुणी सेकेंड बाल्टी देवा यह भाया सीरीयली आम 10 बाल्टी में खाद्य दे सारापर आम से डाण पट दौड़ी टू टाणी सेटा आपणकर से जो जीआई रिंग रे खसिकी रिंग गुड़िक जाऊब एवं ये गोटे सिस्टम जमती कि आम ड्रामा पेंडाल प्रायतः आमर जो कटन रुहे बा जो पर्दा रुहे आम गोटे पट दौड़ी टाणी पर्दाटी खोली था अपर पार्श्व दौड़ी टाणी पर्दाटी बंद होता है से ही सिस्टम या विकसित कराई जो खाद्य परेषण मध्यमटा तो प्रत्येक बाल्टी आम दे प्राय 10 फुट 10 फुट अंतर में आम बाल्टी गुड़िक पा भितर बुड़ी रहा बाल्टीर जो छिद्र आम कर 4 इंच उच्चतार तल पार्श्वे आम जेहेतु 6 इंच पर्यंत बाल्टी पा भितर बुड़ी रोचे तेणु पा भितर से बुड़ी राद्यर ओजन मछगुड़िक प्राय अभ्यस्त हो गलापर से आमर बाल्टीर शब्द शुणला मैंने से पोखरीर मझामझी अंश को आसिक सबुड़ गोटे सरलरेखार लाइन में रहीजे और प्रत्येक बाल्टी 300 टी मछ से जो छिद्र देकर खाद्यटा को ग्रहण करेंगे ये गोटे नूतन प्रकार पद्धति जो थे कि हुड़ा उपर रहीक आम मू प्राय 10 टी विभिन्न जगार आम खाद्य परेषण करपणकर विभिन्न जगार खाद्य खाइक आम जाचे जे मछक जिते अधिक स्थान खाद्य परेषण करवाछगुड़िक खावा को सुविधाजनक हिसाब से पाए कहीं बेले बेले बड़ मछगुड़िक आमर छोट मछकू खाद्य खावा को दे न था कि पद्धति जेहेतु खाद्यटा सामान भाग में भाग हो 10 बाल्टी परेषण करेणु विभिन्न जगार मछगुड़िक रहीक खाद्य खावाक पाई था सामानुपातिक भाव में शरीर वृद्धि घटी था तेणु यही पद्धति रे महिला स्वयं सहायक गोष्ठी जो सभ्या माने रोचंती से माने हुड़ा उपर थाइक पानी भितर को नपसिकी से खाद्य परेषण करें शीत ऋतु प्रायतः यही पद्धति
ଭଲ କାମ କରିଥାଏ କାରଣ ଶୀତ ଋତୁରେ ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହିଥିବାରୁ ପାଣିରେ ପଶିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ବାଲ୍ଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାଛଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଦୈନିକ କରିବାକୁ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଛମାନେ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ସମାନୁପାତ ଭାବରେ ସମାନ ଓଜନ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟି ପ୍ରାୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସରଣ କଲେଣି ଏବଂ ଏହି ପଦ୍ଧତିଟା ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଥର ପରି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଇନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ସପ୍ତାହର ଫୋନ୍ ଇନ୍ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି ଧାନ ତଳି ଘେରାର ଯତ୍ନ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କଲ୍ କରିବାର ଦୁଇଟି ନମ୍ବର ରହିଛି ପ୍ରଥମଟି 0674230013 ଯେଉଁଟିକି ଦେହ ଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆମର ଦେହ ମୁକ୍ତ ନମ୍ବରଟି ହେଲା 1800003456742 ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଲାଗିଲା ଆମକୁ ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜଣାନ୍ତୁ ଆମ ଠିକଣା କୃଷି ଦର୍ଶନ ମାର୍ଫତ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ପୋଷ୍ଟ ସୈନିକ ସ୍କୁଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର 751005 ଆମ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡି KDBBSR@hotmail.com